नारायण श्री कृष्ण वो महान आत्मा हुए इस धरती पर, जिन्होंने भारत की दो सनातन परंपराएं, एक वैदिक परंपरा और एक श्रवण परंपरा का गठबंधन कराया। श्रवण परंपरा जैनों की है, वैदिक परंपरा वेद की है। ये दोनों परंपराएं बड़ी सनातन हैं। ये दोनों साथ साथ चला करती हैं, रेल की पटरी की तरह इस समानांतर चल रही हैं सदियों से इस देश में। और हिंदुस्तान के कोई मौलिक धर्म यदि धरती पर हैं तो श्रवण धर्म और वेद धर्म मौलिक धर्म है इस धरती पर। ये बाहर से नहीं आए हुए हैं, ये हिंदुस्तान की ही मूलभूत धर्म है। इन्होंने सारे जगत को अध्यात्म का संदेश प्रदान किया है। नारायण श्री कृष्ण जिनका जन्म ऐसे राजकुल में हुआ जहां केवल अवतार पुरुष ही जन्म नहीं लिए हैं, वहां तीर्थंकर जैसी आत्मा का भी जन्म होता है। तीर्थंकर का भी जन्म उसी कुल में होता है, नारायण अवतार का भी जन्म उसी कुल में हुआ करता है, बलभद्र का जन्म उसी कुल में हुआ करता है। ऐसा वह वंश, ऐसा वह कुल जहां पर महान महान आत्माओं ने जन्म लेकर हरि कुल को धन्य कर दिया, यदु कुल को धन्य कर दिया। महान पुरुषों का जन्म हुआ उस परिवार में। वासुदेव पुत्र नारायण कृष्ण, वासुदेव के आठ भाई थे, उनमें एक भाई थे समुद्र विजय, जिनके पुत्र 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान हुआ करते हैं। एक ही वंश में पैदा हुए हैं नारायण कृष्ण और नेमिनाथ, दोनों भाई थे, एक ही वंश थे, चाचा ताऊ के बच्चे थे। दोनों ने यदुकुल को रोशन किया, दोनों ने हरि कुल को रोशन किया, यदुवंश को रोशन किया। महान आत्मा हुए नारायण श्री कृष्ण, वो आत्मा हुए जिन्होंने हिंदुओं के दिलों में अपना स्थान बनाया, एक स्थान पूजित स्थान बनाया। और तीर्थंकर नेमिनाथ वो हुए जो जिन शासन के प्रमुख राजा बनकर तीर्थंकर जिनेंद्र बनकर के जगत का कल्याण किया करते। ये दोनों महानुभाव नेमिनाथ और नारायण श्री कृष्ण एक ही कुल में पैदा हुए। एक बात याद रखना, जेल में पैदा होना बुरी बात नहीं है, जेल में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है। नारायण कृष्ण का जन्म रात्रि को 12 बजे जेल में हुआ करता है। जेल में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं, मैं पुलक सागर कहता हूं, जेल में पैदा होना बुरी बात नहीं है, जेल में जीना और जेल में मरना बुरी बात हुआ करती है। नारायण कृष्ण ने संदेश दिया कि बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म महलों में हुआ, तो नारायण कृष्ण का जन्म मामा की जेल में हुआ, मथुरा में हुआ। नारायण कृष्ण का जन्म जेल में, जेल में पैदा हो जाओ कोई मत घबराओ, लेकिन सूरत वालों ऐसे काम करना कि जेल में जैन जीना ना पड़े और जेल में मरना ना पड़े। नारायण कृष्ण का जन्म कारागृह में होता है। नारायण कृष्ण दो महान आत्मा, एक राम और एक कृष्ण। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। दो महान नाम हुए। एक बात याद रखना, कृष्ण की कथनी और राम की करनी, दोनों में बड़ा अंतर है। कृष्ण की कथनी और राम की करनी अनुकरणीय होती है। राम ने जो किया वो तुम करो, और कृष्ण ने जो कहा वो, कृष्ण ने जो किया वो तुम मत करना, बहुत बुरी धुलाई होगी, ध्यान रखना। वो कृष्ण जैसी महान आत्मा ही कर सकते हैं, आप और हम के बस की बात
कन्हैया ने जो किया वो करना मत, नहीं तो बोलो कान्हा ने जो किया वो हम भी करेंगे। एक आदमी था, बोले कृष्ण गोपियों को छेड़ते थे, रास रचाते थे, मैं भी करूंगा, मैं भी उनका उपासक हूं। मैंने कहा पागल, कृष्ण की ये बातें तो तुझे याद है, लेकिन ये बात याद है कि एक बार कृष्ण ने पूरे गोकुल की रक्षा के लिए अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। मैंने कहा बोल, कृष्ण जो करेंगे वो तू करेगा? उनने गोवर्धन पर्वत उठाया था। अरे रामलाल, तू रास्ते का गोबर ही उठा के बता दे तो मैं समझूंगा तू कृष्ण का। गोबर उठता नहीं है, गोवर्धन की बात करता है। ध्यान रखे, एक बात याद रखना, राम जीवन भर देवता बन करके जिए हैं और कृष्ण जीवन भर मनुष्य बन करके जिए हैं। राम के अवतार को पूर्ण अवतार नहीं कहा जाता, बल्कि कृष्ण के अवतार को पूर्ण अवतार कहा जाता। नारायण के अवतारों में नारायण कृष्ण का अवतार पूर्ण अवतार हुआ करता है, उन्होंने समग्रता से जीवन को जिया है। राम कृष्ण, ध्यान रखना।